नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडा कूटनीति क्या है या पांडा डिप्लोमेसी क्या है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चीन की पांडा कूटनीति और पांडा डिप्लोमेसी आपको जानना बेहद जरूरी है। पांडा दक्षिण मध्य चीन में पाया जाने वाला भालू प्रजाति का एक जानवर है, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसे लोग शौक के चलते भी पालते हैं। यह पांडा चूंकि चीन में ही पाया जाता है, इसलिए चीन की राष्ट्रीय पहचान भी कहा जाता है। जिन देशों के साथ चीन के अच्छे संबंध होते हैं अथवा जिन देशों के साथ चीन अपने संबंधों को सुधारना चाहता है, तो चीन उन्हें उपहार के तौर पर पांडा ही भेंट करता है। इससे पता चलता है कि इन देशों के साथ चीन अपने संबंधों को महत्व प्रदान कर रहा है और इसे ही चीन की पांडा कूटनीति कहते हैं। 1972 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन पहली बार अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर चीन गए थे, तो चीन ने उन्हें दो पांडे ही भेंट किए थे। इस यात्रा के बाद से ही चीन व अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ था और इसी के चलते चीन ने ब्रिटेन तथा जापान और अन्य देशों को भी पांडा भेंट किया था, ताकि इन देशों के साथ उसके संबंध आगे मजबूत हो सके। बहरहाल, चीन के बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज में कारोबार और मुनाफा देखता है। दुनिया के कई देशों को चीन ने उनके चिड़ियाघरों में रखने के लिए लोन पर पांडा दिए हैं और इसे दोस्ती का नाम दिया। 1972 में जब निक्सन और माओ की मुलाकात के बाद पांडा डिप्लोमेसी शुरू हुई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे नम्रता से लड़ी जाने वाली जंग यानी पोलाइट वॉरफेयर कहा। चीन यह जानवर अमेरिका और दूसरे देशों को सालाना किराए पर देता है। एक पांडा को कुछ साल जू में रखने के बदले उन देशों से चीन 5 से 10 लाख डॉलर हर साल लेता है और इसे ही पांडा डिप्लोमेसी कहा गया है। कई जानकारों का मानना है कि चीन पांडा के जरिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि पांडा बहुत क्यूट और प्यारा लगता है देखने में, इस वजह से चीन इसका पूरा फायदा उठाता है और इसके जरिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपनी इमेज फ्रेंडली कंट्री के तौर पर पेश करता रहा है। पांडा का प्राकृतिक आवास चीन में बांस के जंगलों से ढके पहाड़ों में होता है। पांडा हर दिन करीब 10 से 20 किलो तक बांस के पेड़ खा लेता है। ये रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं, जबकि दिन में यह किसी गुफा या पेड़ के खोखले तनों में सोते रहते हैं। नवजात पांडा वजन में मात्र 90 से 120 ग्राम के होते हैं। इनकी लंबी पूंछ, शरीर पर बाल नहीं होने के चलते यह पांडा के बच्चे कम चूहे या छछुंदर के ज्यादा लगते हैं। पांडा के बच्चे 80 दिन के बाद चलना शुरू कर देते हैं और इनकी आयु 20 से 30 साल होती है। तो ये थी पूरी बात चीन की पांडा कूटनीति और पांडा डिप्लोमेसी को लेकर। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।